हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लेस बनाएंगे दुपट्टा और स्लीव्स के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 10.075 mm की निडल और इसे मैं सिल्क थ्रेड से बनाऊंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी हम नॉट बना लिए हैं। अब यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। दो चेन सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, दो चेन सिंगल क्रोशिया, अब इसे टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे। दस चेन बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे हम 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बारह बार डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया,
एक दो, दो गैप छोड़ के तीसरे गैप में डबल क्रोशिया, उसके दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, चार चेन, दो गैप छोड़ के तीसरे गैप में डबल क्रोशिया, दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, वापस चार चेन, दो गैप छोड़ के तीसरे गैप में डबल क्रोशिया, चार चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, यहाँ पे पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, सिंगल क्रोशिया, अब वापस से पांच बार यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया, तीन चेन, सिंगल क्रोशिया, वापस इसी जगह पे पांच बार डबल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया। दूसरा फ्लावर बनाने के लिए इस तरह हमें चार बार बनाना पड़ेगा, दो चेन के साथ सिंगल क्रोशिया, एक और तीन और बनाएंगे फिर दूसरा फ्लावर बनेगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।